हे गाइज, अगर आपके पास इन्फिनिक्स जीरो 40 5G मोबाइल है और आप उसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेटिंग करना चाहते हो तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कैसे आप इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट लॉक लगा सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप अपने फ़ोन की सेटिंग को ओपन कर लीजिए। सेटिंग को ओपन करोगे तो नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है और यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा पासवर्ड एंड सिक्योरिटी, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर आप क्लिक कर दोगे उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा फिंगरप्रिंट, तो आपको फिंगरप्रिंट पर जाना है और यहाँ पर सेट लॉक स्क्रीन पासवर्ड पर क्लिक करना है। उसके बाद तीन ऑप्शन मिलेंगे पैटर्न, न्यूमेरिक, अल्फामेरिक, तो किसी भी एक पर आपको क्लिक करना है जो भी आपको रखना है। तो मैं पैटर्न रखना चाहता हूँ तो पैटर्न पे क्लिक करूँगा और एक पैटर्न डाल दूंगा। उसके बाद फिर से कंफर्म कर देना है, कंफर्म पे क्लिक करना है, उसके बाद डन करना है। डन करने के बाद यहाँ पर ऐड फिंगरप्रिंट पर जाएंगे और यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने डिस्प्ले में फिंगरप्रिंट आ चुका है, तो इसको आप अच्छे से स्कैन करवाइए। देखिए मैं स्कैन करवा रहा हूँ, इसी तरीके से आपको भी फिंगर को स्कैन करवा लेना है। जितना ही अच्छे से आप फिंगर स्कैन करवाएंगे उतना ही फास्ट आपका फिंगरप्रिंट सेंसर वर्क करेगा, तो आपको अच्छे से फिंगर स्कैन करवा लेना है। तो फिंगर स्कैन होने के बाद फिनिश करेंगे। फिनिश करने के बाद दोस्तों आपका फिंगरप्रिंट लॉक लग चुका है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसको लॉक कर दिया और यहाँ पर देखिए फिंगरप्रिंट आ रहा है, फिंगरप्रिंट लगाते ही ये ओपन हो गया। तो इस तरीके से आप फिंगरप्रिंट सेटिंग कर सकते हो।